हेलो फ्रेंड्स, हमारे में चैनल दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है और आज बहुत इंटरेस्टिंग डे था क्योंकि कल हम लोगों ने प्लान किया था मार्केट में कुछ खास मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिसाइडिंग एरिया होने वाला है। और डेली चार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले से यही बता रहा हूँ कि नहीं, जब तक ये लेवल नीचे की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से 47,300 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक ऑप्शन सेलर इसी रेंज के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट कहीं ना कहीं ये दोनों रेंज को ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, आज अगर देखें बाहर फिर ऊपर की तरफ गया था 800 के आसपास, फिर उसके नीचे आके क्लोज दिया है 576 के आसपास, तो कहीं ना कहीं इसी रेंज को प्ले हो रहा है। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, ये एक्सपायरी के आसपास अगर इसको ब्रेकडाउन होना है तो ये ब्रेकडाउन कर जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए और सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर कल गलती से गैप अप खुल जाता है ये लेवल पर तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर मार्केट इसी रेंज के लिए ट्रेड करेगा और मार्केट फिर से एक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा क्योंकि आप अगर देख रहे होगे एक दिन बहुत बड़ा कैंडल बनाया उसके बाद सेलिंग आया और इसी रेंज के लिए ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर गैप अप कर लिया तो मार्केट सर्वाइव करेगा, तो स्टिल इट्स इन पॉजिटिव साइड। हम लोग को बाइंग कब देखने मिला, मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हमको बाई देखने मिलेगा। लेकिन कल मार्केट अगर यहां पर हॉल्ट कर जाता है गैप अप खुल के तो दैट मीन गैप अप इन द सेंस एनीथिंग 100-150 पॉइंट से ज्यादा खुलना चाहिए। अगर उस टाइम गैप अप खुला तब मार्केट सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज क्या होगा, यहां पे जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आया तो डेफिनेटली एक सेलिंग भी आ सकती है इसके नीचे। इसके लिए डू और डाई सिनेरियो पे है। अगर आप इमेजिन करो मार्केट यहां से एक ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट बना रहा है तो कल कहीं ना कहीं इसको जाना है। अगर ये गैप अप खुल गया तो मार्केट सर्वाइव कर जाएगा, हो सकता है कि नहीं यहां से ऊपर हर एक लेवल पे 900 पहुंचे पुल बैक करेगा, फिर 47,000 आसपास पहुंचे फुल पुल बैक करेगा, ये हो सकता है। लेकिन हम लोग को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी दिख जाएगा कि नहीं हाँ गैप अप खुला, मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, 150 पॉइंट से ज्यादा अगर खुला तो थोड़ा सा हम लोग इसको पॉजिटिव की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। बट इफ अगर मार्केट 100 या फिर 50-60 पॉइंट या इस तरीके का फ्लैट खुला एंड उसके बाद अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम लोग यहां पे प्लान कर सकते हैं 500 के नीचे, हम लोग को प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए एंड हम लोग का टारगेट 43,300 होना चाहिए, एक नया लो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर फास्ट मूव होता है तो फिर हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सिनेरियो के लिए मार्केट 40-50 पॉइंट खुला ब्रेक करे, क्योंकि 100-150 पॉइंट ऊपर खुला फिर अगर 500 भी आया तो इतना अच्छा मोमेंटम नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं इग्नोर करूंगा। और बाइंग मोमेंटम अगर मिल रहा है तो हम लोग बाइंग के साइड प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट 100-150 पॉइंट के ऊपर अगर कुछ खुल रहा है। अगर उसके नीचे कुछ खुल रहा है तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा टिल 560-550-500 लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता। बट इफ अगर कल गैप डाउन खुला, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि अगर गैप डाउन खुल गया तो बहुत सारे इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोग इस रेंज के लिए ट्रेड कर रहे थे 46,500 के लिए ट्रेड कर रहे थे, ये रेंज के लिए ट्रेड कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट सिनेरियो आ जाएगा। क्योंकि अगर यहां पे डायरेक्टली इसके नीचे लेट से 400 के आसपास कहीं पे खुल गया, 100-150 पॉइंट अगर खुल गया, यहां पे पैनिक सिनेरियो हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट चार्ट के अंदर जब भी प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बनाएगा तब ट्रेड करेंगे। अगर इमेजिन करो गैप डाउन खुला और रिकवर कर जा रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, सेम डे को ट्रेड जाने देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक शार्प अपसाइड मोमेंटम भी आए लेकिन इसी रेंज के अंदर आ जाएगा तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ में एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुला एंड प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है तब हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। दैट मींस कल अगर गैप डाउन खुला इमीडिएट ट्रेड नहीं करना है, वी आर गोइंग टू वेट कि नहीं क्या यहां पे खुलने के बाद ये रेस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कल दो ही कंडीशन में हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है, एक है कि नहीं हाँ थोड़ा सा गैप डाउन खुला एंड प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, या फिर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुलने के बाद 550-560 ये क्रॉस करे, या फिर मार्केट अगर गैप अप खुलता है 170-150 पॉइंट के ऊपर तब थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन ये मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि मार्केट सर्वाइव करने के लिए ट्रेड करेगा। अगर हम लोग 1 आवर चार्ट के लिए देखेंगे अच्छे एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर आप लोग दिख रहा होगा एग्जैक्टली एक अच्छा सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर गैप डाउन खुला तो ये सारे सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैंने बोला कि नहीं यहां से अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तब हम लोग सेल करेंगे। गैप अप खुल गया तो ये सर्वाइव कर गया, मार्केट फिर यहां पे वेट करेगा, फिर मतलब इन द सेंस 47,000 के आसपास ये वेट करेगा, फिर 200-250 जब नेक्स्ट मंथ ब्रेक करेगा तब एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ खास रेजिस्ट मतलब सपोर्ट यहां पे दिख नहीं रहा है। मार्केट फिर से 46,000 के आसपास आने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर हम लोग डेली चार्ट के अंदर हम लोग देख चुके हैं मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड कर रहा है, 1 आवर चार्ट के अंदर भी आपको दिख रहा होगा ये रेंज जहां से ब्रेकआउट किया था इसी एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला कि डू और डाई का सिनेरियो है, मार्केट एक ब्रेकआउट एरिया के आसपास ट्रेड
होल्ड कर रहा है। अगर इसको होल्ड कर जाता है तो ये फिर इसी रेंज के आसपास आ जाएगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो टारगेट हम लोग को बड़े दिखने वाले हैं, दैट टू नीचे की साइड। तो कल गैप डाउन खुला तो प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग सेल करेंगे। चलिए फिर निफ्टी पहले देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। फिर निफ्टी हम लोगों ने वेट किया था कि नहीं, हाँ लेट इट क्लोज, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे। दो मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल है, एक है 20,550 575, अगर ये ब्रेक करता है दैट यू कि नहीं 11-12 बजे के आसपास, तब एक मोमेंटम हम लोग को देखने मिलेगा 500, या फिर नया लो के लिए एक टारगेट देखने मिल सकता है। अगर गैप अप खुला तो हम लोग को बस वेट करना है, वेट इन द सेंस 11 साढ़े 11 बजे तक वेट करेंगे। फिर 20,700 अगर एनी टाइम अगर ये ब्रेक कर रहा है, हो सकता है 12 बजे ब्रेक करे, हो सकता है 10:30 में ब्रेक करे, हो सकता है कि नहीं 10:45 के आसपास ब्रेक करे, गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुला उसका थोड़ा सा वेट किया, फिर 700 अगर ब्रेक किया तो हो सकता है हम लोग को 775 के ऊपर ये देखने के लिए मिले। एक अच्छा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ ये फ्लैट बन रहा है और ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन है, सिमिलर पैटर्न मैग्नेटी है। तो कल एक कंडीशन में थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, मार्केट अगर 100-150 पॉइंट गैप अप खुल गया दैट मीन्स स्टिल मार्केट पॉजिटिव एरिया में है, लेकिन कल अगर गैप डाउन खुला या थोड़ा सा 30-40 रुपये फ्लैट या नीचे खुला तो चांसेस है मार्केट और तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी भी अच्छे एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड का 50% के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर गैप अप खुला तभी ये सर्वाइव करेगा, अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा भी तो चांसेस है कि नहीं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर ट्राई करेगा 22,000 के नीचे क्लोजिंग देने के लिए। अगर 22,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है क्योंकि 46,500 यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, 22,000 अभी भी होल्ड कर रहा है। कल अगर गैप डाउन खुल के ये ब्रेक करे तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाएगा। तो हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं, गैप डाउन खुला प्राइस एक्शन के साथ सेलिंग, या फिर अगर गैप अप खुला तो हम लोग फिर निफ्टी कंसंट्रेट करेंगे, निफ्टी वेट करेंगे, लेट इट क्लोज, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑलरेडी निफ्टी ऊपर जा चुका है, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है एंड उसके बाद आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी मूवमेंटम कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मतलब ऊपर की तरफ एक यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है हम लोग को एक अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट मिल पाए। तो वेट करते हैं कल, देखते हैं किस तरीके से मार्केट कहाँ पे गैप अप गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुला तो इमीडिएटली सेल मत करना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैनिक सिनेरियो हो सकता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू जा रहा है तब हम लोग को सेल करना है। तो वेट करते हैं कल कहाँ मार्केट ओपन होता है। आई होप ये सर पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चल रहा है, लाइक सर फ्रेंड, अगले तो नहीं, थैंक यू।